कैसे शुरुआत हुई थी सबसे पहले? यहाँ पे पाइल करने की कोशिश की थी, पाइल फाउंडेशन जी। पाइल का मतलब एक मीटर की पाइल नीचे 40 मीटर तक जाके, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो इलाका है, हाँ। उस इलाके में वो पाइल टिकी नहीं, हाँ। क्यों? स्टार्टेड नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चरल डेब्रिस था, अच्छा, अच्छा। और यहाँ पे जो बालू है, हाँ। और जो सैंड है, हाँ। या मिट्टी है, वो नदी के किनारे की है, अच्छा। और यहाँ पे 200 फीट तक। तो सरयू जी कितनी दूर है यहाँ से? ये जो गुंबज दिखाई दे रहा है जी, ये है गुरु तेग बहादुर का जी ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा गुरुद्वारा जी, उसके बिल्कुल बगल में नदी है। तो इट इज ऑलमोस्ट 400 मीटर फ्रॉम हियर। और नदी के साथ जो रेत होती है वो रेत, हाँ, यहाँ की भी नहीं है। कहते हैं जी, ये रामकोट का जो इलाका है जहाँ हम खड़े हैं, हाँ। इसके बिल्कुल बगल में ये जो नीचे वाला इलाका है, हाँ। यहाँ पे नदी का चैनल था, अच्छा। ये पैलियो चैनल बोलते हैं। आज वो ड्राई हो चुका है, हाँ। नदी हट चुकी है, हाँ। लेकिन बारिश के मौसम में, हाँ। कभी कभी पानी बैक वाटर जो है यहाँ तक आता है, अच्छा। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए वॉल दी गई है। अच्छा, तो उसके बाद वो नहीं हुआ, यानी कि कभी भी जब भी हम निर्माण कर रहे होते हैं तो कई चुनौतियां भी आती हैं, फिर आपको रास्ता बदलना पड़ता है, सही है। राम जी की मर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पर उसके बाद क्या किया फिर आप लोगों ने? उसके बाद में हम पाइल पे ना टिकने के कारण हमने स्टोन की भी, जो ग्रेनाइट वाला है, नहीं, हमने स्टोन के लिए कॉलम करने की कोशिश की, लेकिन वो भी टिका नहीं। फिर उसके बाद में वी ट्राई टू रिमूव, ये पूरा यहाँ का जितनी मिट्टी थी, हाँ। वो पूरी मिट्टी निकाली, 2,00,000 मीटर क्यूब के करीब, अच्छा। इतनी मिट्टी निकाली गई है। सरयू तट से करीब होने की वजह से मिट्टी में बालू की अधिकता है, लगातार नमी के कारण भी मुश्किलें हैं। और फिर अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि परिसर को लेकर आक्रमणों का इतिहास भी रहा है। ये 1,000 साल बताते हैं सर कि ये रह सकता है मंदिर, तो एक आयु एक मंदिर की क्यों देखी जाती है उसके निर्माण के समय? नहीं, क्या हुआ है, इसके पहले जो मंदिर बने ऑन एंड एवरेज 450-500 साल तक टिके हैं। टिकने का कारण वो पूरे स्टोन से बने थे, लेकिन नीचे की ओर फाउंडेशन में शायद उतना आवश्यक जितना ध्यान देना था नहीं दे पाए। हो सकता है उन दिनों की जो इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है, तकनीकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से। तो जब भी पानी आया, हाँ। बाढ़ आई, हाँ। या कहीं भूकंप आ गए, तो इसका हिसाब से डायपोलेटेड कंडीशन में वो नीचे अपने आप गिर गए, ना किसी ने तोड़ा उसको। गिरने के बाद में अगले जो राजा थे, हाँ। उन्होंने 400-500 सालों के बाद में उसी पत्थर को समेटा, कुछ पत्थर का इस्तेमाल किया, बाकी पत्थर नीचे रह गए, उसकी फाउंडेशन बनाई और उसके ऊपर दूसरा मंदिर बना। ऐसे 5 बार हुआ, अच्छा। और ये 5 बार मंदिर जो बना वो बाबर के जमाने में टूटने पर, हाँ। यहाँ पे मस्जिद बनी थी, और ये गर्भगृह जो है, हाँ। यही लोकेशन है जहाँ पे बाबरी ढांचा खड़ा था। यहाँ पे 3 गुंबज थे, ये सेंट्रल गुंबज यहाँ था, हाँ। उसके उत्तर और दक्षिण में एक एक गुंबज था, हाँ। तो ऐसा पूरा इलाका यहाँ पे कॉर्डन करके एक मस्जिद के रूप में यहाँ खड़ा था। लगभग 500 साल बाबरी मस्जिद श्रीराम जन्मभूमि विवाद चला और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। मंदिर तो बनना था और हर चुनौती को दूर करके बनना था, इसके लिए देश भर के संस्थानों से सर्वश्रेष्ठ टीम बनाई गई। इसमें निर्माण के लिए लार्सन एंड टूब्रो और टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स हैं, साथ में मद्रास, दिल्ली, सूरत, कानपुर और हैदराबाद के 5 IIT हैं। सबसे पहले मिट्टी की नींव को रॉक फाउंडेशन यानी चट्टान जैसा मजबूत बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, ताकि मंदिर सदियों तक संरक्षित रह सके। कहते हैं ना कि वो हुई है जो सोई जो राम रची राखा, तो राम जी ने यहाँ पर चुनौतियां भी दी हैं नींव के समय से। चुनौतियाँ आती रही हैं? चुनौतियाँ तो बहुत आई, हाँ, परीक्षा लेते रहे हैं जैसा आपने कहा चौपाई, उसको चरितार्थ हुआ, हाँ। लेकिन साथ साथ भगवान का काम है तो अपने आप स्वतः जो है सो वो सारी रास्ता भी दिखा देते हैं और उसी रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ गए। तो क्या चुनौतियाँ यहाँ पर आई, पहली चुनौती क्या आप लोगों ने निर्माण में यहाँ पर फेस की? पहली चुनौती हमारी जब थी तो इसके फाउंडेशन के डिजाइन को लेकर के थी, हाँ।
कि इसके फाउंडेशन का डिजाइन कैसे करा जाए, उसके लिए बहुत सारे टेस्टिंग्स वगैरह हुए, सॉइल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुए। सॉइल इन्वेस्टिगेशन टेस्ट रिपोर्ट्स में ये आया सामने कि अप टू 9 मीटर डेप्थ तक हमारा पूरा डेब्री है, तो उसके ऊपर फाउंडेशन उचित नहीं हो सकता। इसके कारण हम लोगों ने ये सब, हमारी एक एक्सपर्ट जो थी, हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई थी जिसमें सारे IITs थे एंड हमारे PC थे और LNT के सब एक्सपर्ट्स थे, इन सभी ने मिल करके इसको डिसाइड किया कि ओपन एक्सकवेशन करना है, एक्सकवेशन करके जितनी भी लूज सॉयल और डेब्री है इनको बाहर निकाल जाना है। इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्टर्स के साथ मंदिर निर्माण समिति के सदस्य निर्माण की बारीकियों के साथ कई दूसरे और सवालों के जवाब तलाश रहे थे। पहला सवाल कि निर्माण में पत्थर कौन सा लगाया जाए, दूसरा सवाल कि मंदिर में किस धातु का प्रयोग किया जाए और किसका नहीं, तीसरा सवाल मंदिर को कितने साल तक की सुरक्षा के हिसाब से बनाया जाए, चौथा सवाल मंदिर के अलावा शेष 60 एकड़ भूमि पर परिसर का निर्माण कैसे हो, पांचवा सवाल अद्भुत रहा है मंदिर के लिए संघर्ष का दौर, तो मंदिर सबसे अद्भुत कैसे हो। पत्थर का काम उसके बाद, यानी वो ये कर्नाटक से आए हुए पत्थर, कर्नाटक ग्रेनाइट है, इसके अलावा आंध्र के भी है और तेलंगाना के भी। अच्छा, तो दक्षिण भारत ने नींव दी है राम मंदिर को, राम जन्मभूमि मंदिर को। और जैसे हम समुद्र पर सेतु के निर्माण में देखते थे कि जय श्री राम लिखते थे वानर सेना, यहाँ पर भी जय श्री राम इस पर इनके जय श्री राम के नारे भी लगते हैं और सभी पे जय श्री राम लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। हाँ। ये स्टोन ब्लॉक 2 माइंस से आ रहे हैं, हम लोगों ने 2 सोर्स अप्रूव किए हैं। हाँ। एक है अपने कर्नाटका से आ रहे हैं, बेंगलोर चिकबल्लापुर माइन से, दूसरे अपने तेलंगाना वारंगल से आ रहे हैं अपना, तो ये दोनों सोर्सों से अपने ग्रेनाइट स्टोन आ रहे हैं। और क्यों ये पत्थर क्यों सबसे मजबूत, ये ग्रेनाइट सबसे मजबूत है इसीलिए, इसकी वाटर परमिएबिलिटी वगैरह बिल्कुल कम है, तो कोई भी वाटर का इंग्रेस अगर अंदर होता है हमारे फाउंडेशन में उसको ये रोकेगा।